हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ दोस्तों, मैं रवि कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और शानदार वीडियो। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ यूएसबी हब। जी हाँ दोस्तों, जो कि मैंने अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो पर काफ़ी सर्च करने के बाद एक बेस्ट यूएसबी हब चुना और डाउन पेमेंट पे मंगा लिया। जी हाँ दोस्तों, अब ये कितना का पड़ा, कितना क्या है, इसके बारे में आपको मैं बाद में दिखाऊंगा। चलो इसको चीरा फाड़ी कर लेता हूँ, आपके सामने ओपन करता हूँ। तो मैंने पन्नी को फाड़ दिया है और इसको पन्नी को निकालने के बाद अंदर कुछ भी नहीं बचा, तो इस पन्नी को फेंक देता हूँ मैं साइड में और अभी आपको दिखाने वाला हूँ मैं यूएसबी हब। जी हाँ दोस्तों, ये रही मेरी यूएसबी हब, जो कि इसमें कि 4 पॉइंट है, मैंने कि 4 डिवाइस एक साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं फिलहाल इसमें से भी बाहर निकाल लेता हूँ पन्नी को और यहाँ पर यूएसबी को जैसे ही मैंने ओपन करा तो इसमें मुझे एक डिसअपॉइंट लगा, इसमें एक डाटा केबल जो है छोटी है। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा बड़ी केबल नहीं है लेकिन यह काम चलाने के लिए काफ़ी है। और जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरे सामने निकल के आई है, लेकिन इसको मैं 2 पॉइंट दूंगा आउट ऑफ लुक, बिकॉज मैंने पिंक कलर की ऑर्डर करी थी लेकिन ये ब्लू कलर की आ गई। तो कोई बात नहीं, अब इतना तो इसमें चलता है, हालांकि में ये ऑनलाइन फ्रॉड का ज़माना है, तो आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें और बच के रहें। फिलहाल मैं अभी इसको कनेक्ट करके देख लेता हूँ मेरे लैपटॉप से। अभी मैं पहला लैपटॉप में कनेक्ट कर रहा हूँ, तो यानी कि मेरा माउस बग कर रहा है। अब मैंने लैपटॉप में कीबोर्ड का डिवाइस लगा दिया है तो दोनों बग कर रहे हैं, लैपटॉप बोल चुका है टूं टूं। अब इसके बाद में मैं इसको साइड में लगा लेता हूँ। अब ये लगाया मैंने प्रिंटर। जी हाँ दोस्तों, अब मैं तीनों को एक साथ लगाऊंगा, प्रिंटर भी लगाऊंगा, तो फिर से लैपटॉप बोलेगा टूं टूं। जी हाँ दोस्तों, बोल गया, बहुत शानदार। अब यानी कि तीनों डिवाइस बग कर रहे हैं। अब मैं चौथा केबल भी अटैच कर दूंगा तो फिर से टुन टुन बोल चुका है, यानी कि चारों के चारों डिवाइस काम कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा डिवाइस काम कर रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, शानदार, जानदार, ईमानदार? जी हाँ दोस्तों, आप सर्च करिए मेरे यूट्यूब चैनल पर और विजिट करने के बाद वीडियो देखिए। धन्यवाद।